अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लर्निंग विद स्माइल के साथ मैं हूं अमर अदनान बशीर। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने यूएसपी का डाटा ट्रांसफर स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं, कि किस तरह से आप अपने यूएसपी में जो डाटा वगैरह सेंड किया जाता है उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर, इस पर को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा अगर कोई सवाल वगैरह हो। और इसी तरह से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा उठाए। तो उसको हम किस तरह से यूएसबी किस तरह से तैयार करेंगे कि वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो, उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने यूएसबी को ओपन करना होगा। ये देखिए इसमें चीज़ें हैं। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें चूज़ करना होगा NTFS क्विक फॉर्मेट को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। इस तरह से हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। हमें इसके मुकम्मल फॉर्मेट होने का वेट करना होगा। इसके मुकम्मल फॉर्मेट होने के बाद का प्रोसेस जो है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि वही है असल मेथड जिसकी मदद से आपके डाटा ट्रांसफर स्पीड ज़्यादा हो सकती है। मैं अपने चैनल में वक्तन फोक्तन बहुत सी वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को एक दफ़ा विजिट ज़रूर कीजिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसी तरह से आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल। उसमें भी मैं अपने जो नए वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ उसके लिंक वगैरह उसमें शेयर करता रहता हूँ। इस तरह से आपको पता चलता रहेगा अपने सोशल मीडिया पर ही, फेसबुक पर ही, कि कब मैंने कौन सी पोस्ट कौन सी नई वीडियो अपलोड की है। इसके मुकम्मल फॉर्मेट होने तक हम वेट करते हैं। ये देखें ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम यहाँ से ओके करेंगे क्लोज। अब हम अपने यूएसबी ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं क्या कुछ भी नहीं अभी तक। इस तरह से अब हम अपने यूएसबी पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ से ये देखें हमारी फ्री स्पेस है, जितनी जीबी की हमारी यूएसबी की उतनी हमारी फ्री स्पेस। इस तरह से उसके बाद हम जाएंगे हार्डवेयर पर। हार्डवेयर पर जाने के बाद अब हमने यहाँ में इसमें से अपने यूएसबी का जो टाइटल होगा, नेम होगा ना, जिस कंपनी का यूएसबी है उसको हमने सेलेक्ट करना। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से चेंज सेटिंग पर जाएंगे। चेंज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये बहुत से ऑप्शन वगैरह हैं, इनमें से हमें यहाँ से पॉलिसीज इसको भी हमें सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारी होगी क्विक रिमूवल, उसकी जगह अब हमें यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस को चूज़ करना होगा। उसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें से जो भी डाटा वगैरह सेंड करना हो वो सेंड कर देंगे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।